लोगों को, ऐसे लोगों को जो पैसे वाले लोग हैं, जो सेनेट पर इसलिए नहीं आना चाहते लोगों की खिदमत करने के लिए, जो कि सेनेट में आके एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोगों को एमपीज़ को ख़रीदते हैं और फिर पैसा बनाना चाहते हैं, करप्शन को आगे फरोख्त अब बढ़ा रही है। इसलिए हमने कहा है कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए और मुझे खुशी हुई है कि पीएमएल ने इसको कबूल किया। अच्छा, ये बताइए कि आपने बात की आज के कॉन्फ्रेंस के हवाले से, पाकिस्तान की स्पेशली केपीके की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो हम सब के सामने है, क्या आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इज इट द राइट टाइम? यही राइट टाइम है। देखिए, मुश्किल हालात में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसकी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होती है। जब सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने आ जाएंगे तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। और आप अगर आप सिक्योरिटी सिचुएशन देखें तो पिछले 5 साल में, ये पिछला जो साल था, सबसे कम वायलेंस हुआ है। और अब क्योंकि अमरीकन जा रहे हैं वहाँ से, अफगानिस्तान से, उन्हीं की वजह से तो सब कुछ हुआ है। वो आए हैं तो तबाही मची है, वो अब जब जा रहे हैं तो ये वायलेंस अब नीचे जाएगा। और पख्तूनख्वा है, एक तरफ अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड है, दूसरी तरफ चाइना से, तो ये तो बेहतरीन जगह है इस वक्त। स्ट्रेटेजिक उसकी पोजीशन ऐसी है कि अगर मैं आज इन्वेस्टर हूँ, और रिस्क तो लेनी पड़ती है, अगर आपने ज़्यादा पैसा बनाना है रिस्क लो, ये है वक्त रिस्क लेने का। अच्छा, ये तो सियासी बातें थी, हम थोड़ी सी खेल क्रिकेट के हवाले से भी बात कर लेते हैं, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं। ये बताएं कि मोइन खान साहब को वापस बुला लिया गया है, ओवरऑल जो टीम की परफॉर्मेंस है वो हम सबके सामने है, क्या उस हवाले से क्या कहेंगे? दो चीज़ें कहूँगा, एक तो जब आप मेरिट ख़त्म कर दें और लोगों को आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन इसलिए बनाएं कि उन्होंने आपको धांधली में मदद की थी 2013 के इलेक्शन में, जो नजम सेठी को उन्होंने बनाया, तो ये नतीजा होता है। आप कहीं भी मेरिट जब नहीं लेके आते तो वो इदारे नहीं मुकाबला कर सकते उन इदारों का जिधर मेरिट होती है। पहले तो ये गलती थी, असल में तो इनको क्रिकेट स्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए ताकि वही बेहतर क्रिकेटर सामने लेके आते, तो वो आना ही नहीं था। एक आदमी जिसके कोई, जिसका सिर्फ ये, उसको इसलिए बनाया गया कि उसने इलेक्शन में मदद की धांधली करने के लिए नवाज शरीफ की। दूसरा जो मिसबाह हक की पॉलिसी है, जो ये जो इनकी स्ट्रेटजी है, ये गलत है। ये इनको सोचना चाहिए कि हमने जीतना कैसे, जीतने में बैटिंग के अंदर टॉप 4 पोजिशन में मैच होता है, और टॉप 4 पोजिशन में से अपने सबसे बेहतरीन बैट्समैन डाले, अगर आप उनको नीचे घुसा देंगे तो वो जीतने की नहीं है, वो तो डिफेंसिव पॉलिसी। और दूसरा, 5 बॉलर खिलाओ, जो कि इतने बड़े 3